बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद महनूर के चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी की रायता। लौकी की रायता बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमने आधा किलो दही लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करा। ये हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, आप चाहे अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यह हमने 1 टीस्पून रेड चिली लिया है। ये हमने 1 टीस्पून काली मिर्च लिया है। ये हमने 2 अदद लौकी लिया है और ये हमने ज़ीरा लिया है। ये हमने गोल वाला मिर्च लिया है। ये हमने लहसुन लिया, इसको बारीक से कट करा हुआ। ये हमने हरा धनिया लिया है, हरी मिर्चें लिया और ये हमने पुदीना लिया। और ये लौकी को अच्छी तरह से हम कद्दूकस कर सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। यह हमने 1 कटोरी पानी लिया, ये अब इसमें हम शामिल कर लिया। ये हमने लौकी लिया था, इसको हमने अच्छी तरह से कद्दूकस करा। अब इसको हम 5 मिनट तक उबाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी लौकी अच्छी तरह से उबल चुके हैं। अब इसको हम छान लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से दही को मिक्स करा। अब इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक लिया था, ये हम इसमें शामिल करें। आप चाहे अपने टेस्ट के हिसाब से करें। यह हमने 1 टीस्पून रेड चिली लिया, ये भी अब इसमें हम शामिल करें। ये हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया, ये भी अब शामिल करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मैरिनेट करेंगे। और फिर इसके बाद आप चाहे अपनी टेस्ट के हिसाब से डालना। हमें पसंद है, हमने 1 की 1 हरी मिर्च शामिल करा। इसके बाद हमने पुदीना शामिल करा, ये हमने हरा धनिया शामिल करा। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करा। इसके फाइनल में हम इसमें लौकी शामिल करा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करा। अब इसका हम इसके हम पगार करेंगे। ये हमने एक फ्राई पैन लिया, इसके अंदर हम हसबे जायका ऑयल शामिल करेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये हमने पगार के लिए क्या क्या लिया है, लहसुन लिया 7-8 अदद, 5-6 अदद गोल्ड मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा। अब ये इसमें हम शामिल करेंगे। फाइनली आप देख सकते हो हमने ये लौकी का रायता बनाया था। अब इसको हमने पगार करा है। फाइनली ये हमारा लौकी का रायता का फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।